सब्सक्राइब कीजिए एएस व्यूएंसर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह की और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एएस व्यूएंसर। तो फ्रेंड्स, जून और जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा हमें कार एसी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में जो हमारी ओल्ड कार हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो लो कूलिंग की फेस करनी पड़ती है। तो आज इसमें हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने आप लो कूलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपकी ओल्ड कार है उसमें आप कैसे कूलिंग को बढ़ा सकते हैं, और इस वीडियो में आपको अपनी ओल्ड कार वेगनार में केविन फिल्टर भी इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारी पुरानी कार आती थी उसमें केविन फिल्टर लगा हुआ नहीं मिलता था। तो ये वीडियो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम केविन फिल्टर को भी इंस्टॉल किए हैं और एसी की सर्विस भी किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि कैसे हमें करना है। अगर आपकी ओल्ड कार नहीं है तब भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने कार की एसी की सर्विस भी करके दिखाया है और मैं जिस प्रोडक्ट का इसमें यूज किया हूँ उन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कार के अंदर आ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अभी ऐसे एक दो लोग रह रहे हैं कार में तो उस टाइम पे तो इसकी कूलिंग ठीक है, लेकिन जब हम तीन या चार लोग रह रहे हैं कार में तो उस टाइम पे इसकी कूलिंग काफ़ी ज़्यादा कम लगती है, और एसी के फ़ैन को पहले दो नंबर पे चलाना पड़ता था, अभी के टाइम पे इसे तीन या चार नंबर पे चलाना पड़ रहा है, तब भी उतनी ज़्यादा हमें कूलिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे हमने पहले आपको बताया, जो हमारी नई कार आ रही हैं उसमें तो हमें एसी फिल्टर लगा हुआ मिलता है देखने को, लेकिन जो हमारी पुरानी कार थी जैसे आल्टो हो गई या फिर हमारी वेगन आर हो गई या फिर मारुति की अदर कोई कार हो गई जो पुरानी मॉडल हैं उसमें हमें एसी फिल्टर लगा हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में आपको आज एसी फिल्टर लगा के दिखाने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको कोई टेम्प्रोरी तरीका नहीं बताऊँगा, एकदम परमानेंट तरीका बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी कार में एसी केबिन फिल्टर को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अभी के टाइम सिचुएशन चेक करा देता हूँ एक बार, वैसे समझ तो नहीं आएगी लेकिन एक बार मैं आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ। फ़ैन की आवाज़ भी पहले से ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जो एयर फ्लो है वो उतना ज़्यादा अच्छा हमें देखने को नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। एसी ऑन करने पे भी उतनी ज़्यादा कूलिंग भी हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो चलिए आपको मैं इस टाइम पे इसकी कॉइल की कंडीशन चेक करा देता हूँ। तो आपको मैं चेक करा देता हूँ कि इसका एसी कॉइल किधर होता है। तो आप जब डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड आएंगे तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये केबिन कॉइल होती है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एकदम से चोक हो चुकी है। आप चेक कर लीजिए, पूरा एकदम से चोक हो चुकी है इस टाइम पे, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। केबिन फिल्टर ना होने की वजह से जो साइड डस्ट पार्टिकल्स हैं कॉयल में जाके फंस जाती हैं। तो चलिए आपको मैं अब इसे क्लीन करके दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कैसे आप इसमें केबिन फिल्टर को लगा सकते हैं अपनी पुरानी कार, चाहे वो वेगन आर हो या फिर आल्टो हो या फिर मारुति कोई अदर कार हो। तो एसी सर्विस की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इसमें किन किन प्रोडक्ट का यूज़ करने वाला हूँ। ये हमारा एसी का केबिन फिल्टर है, जो कि हमारा जेन्युइन पार्ट है, आप देख सकते हैं ये एमजीपी का ही प्रोडक्ट है, मारुति सुजुकी का ही प्रोडक्ट है। अगर आपको ये सर्विस सेंटर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे बोडमो से ही ऑर्डर कर सकते हैं, इसे हमने बोडमो से ही ऑर्डर किया है। और ये हमारा एसी केबिन कॉइल को क्लीन करने के लिए ब्रश है, और ये हमारी कटर है जिसकी मदद से हम इसे कट करेंगे, और ये है हमारा एसी कॉइल क्लीनर, ये फोम वेस्ट क्लीनर है हीबो का। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं इन सब की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अब इस एसी क्लीनिंग प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम इसमें करने वाले हैं वो केबिन कॉइल के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये कवर दी गई है, ये एसी फिल्टर को लगाने के लिए ही दी गई है, लेकिन इसमें हमें एसी फिल्टर लगा हुआ नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे कट करेंगे। आप देख लीजिए ये वाला पार्ट जो हमारा है, इस पार्ट को हम कट करने वाले हैं। इसमें पहले एक फोम का लगा हुआ फिल्टर आता है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, इसलिए हम इसमें दूसरा केबिन फिल्टर लगाने वाले हैं, जिसे आप गंदा होने पर रिप्लेस भी कर सकते हैं। चलिए इसे कट कर लेते हैं। पहले इसे कट करते टाइम आपको ध्यान देना है कि इसे आपको तीन ही साइड से कट करना है, चारों तरफ से कट नहीं करना है।
क्योंकि जो केविन फिल्टर के साथ हमें कवर मिली हुई है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, जिसकी वजह से वो कवर इसमें फिट नहीं होगी, इसलिए इस कवर को हम कट करने के बाद कवर की तरह भी यूज कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हमने कट कर लिया है। प्लास्टिक थोड़ी हार्ड है, अगर आप कटर को थोड़ा हीट करके तब कट करेंगे तो उस केस में आसानी से कट जाएगा। तो चलिए अब इस कवर को हम ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कवर को हमने ओपन कर लिया है। और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें प्रॉपर फिल्टर को इंस्टॉल करने के लिए प्लेस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डस्ट अंदर से निकली हुई है। तो अब हमें जो अगला काम करना है वो ये है कि पूरे कॉयल पर हमें एसी कॉयल क्लीनर को स्प्रे करना है। और आपको मैं फिर से बता दूं, ये फोम वेस्ट कॉयल क्लीनर है, एसिड वेस्ट कॉयल क्लीनर नहीं है। अगर आप एसिड वेस्ट कॉयल क्लीनर का यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम कॉयल क्लीनर को प्रॉपर तरीके से पूरे कॉयल पर स्प्रे कर लेते हैं। कॉयल क्लीनर को स्प्रे करने के बाद जो अगला प्रोसेस है कॉयल को क्लीन करना, उसके लिए हम इस ब्रश का यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने जो ब्रश ऑर्डर किया है उसमें तीन तरह के ब्रश हैं, एक जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, दूसरा जो मीडियम है और तीसरा जो सॉफ्ट है। तो सबसे पहले हम मीडियम वाले ब्रश का यूज करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम से हमारा ये मतलब है अगर कॉयल टेढ़ी होती है तो हम सॉफ्ट ब्रश का यूज करेंगे। और ब्रश का यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको इसे हॉरिजेंटल यूज करना है, क्योंकि जो हमारी कॉयल्स हैं वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रश हार्ड होने की वजह से हमारी कॉयल कुछ टेढ़ी हो रही है। हम नहीं चाहते कि हमारी कॉयल में कहीं से भी नुकसान हो, इसलिए हम अब सॉफ्ट ब्रश का यूज करेंगे, इस ब्रश का यूज नहीं करेंगे। और आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप भी सॉफ्ट ब्रश का ही यूज करें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्ट ब्रश है, आगे की क्लीनिंग मैं इसी ब्रश से करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं काफी हद तक हमने कॉयल को क्लीन कर लिया है। अब हम एक बार फिर से पूरे कॉयल पर कॉयल क्लीनर को स्प्रे करेंगे। कॉयल क्लीनर को स्प्रे करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक वैसे छोड़ देना है, उसके बाद ही ब्रश से क्लीन करना है, जिससे कि कॉयल क्लीनर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए कॉयल में। तो फाइनली अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारी कॉयल प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुकी है। अब मैं आपको पहले की सिचुएशन चेक करा रहा हूँ और अब की सिचुएशन चेक कीजिए कि कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें। तो अब बारी आती है हमारे फिल्टर इंस्टॉलेशन की। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा फंसा दिया फिल्टर को, अब चलिए इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले कुछ इस तरह से आपको इसे पुश करना है अंदर की तरफ और हमारा फिल्टर पूरा अंदर फिट हो जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा केबिन फिल्टर है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। जब हमारा केबिन फिल्टर इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको जो हमने कवर कट की थी उसको वापस से वैसे ही पुश करके फिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इसे फिक्स कर देना है और जैसे हमारा पहले कवर लगी हुई थी वैसे अब देखने में लग रही है। तो अब बारी आती है हमारे एसी वेंट क्लीनिंग की। तो एसी वेंट में इस तरह कुछ आपको इंसर्ट कर देना है इसके पाइप को, उसके बाद स्प्रे करना है। और आपको इसे तब तक स्प्रे करना है जब तक कि एसी कॉयल क्लीनर के फोम बाहर न दिखाई देने लगें। इसी तरह से जितने भी वेंट हैं सब में आपको स्प्रे कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके वेंट के पाइप में जितनी भी गंदगी रहेगी वो सारी क्लीन हो जाएगी इसकी मदद से। ये तो हो गई हमारी इंडोर कॉयल और वेंट की सर्विस की बात। अब हम बात करते हैं इसके आउटडोर कॉयल्स क्लीनिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटडोर की कॉयल जो है काफी ज्यादा गंदी है, यहाँ पे काफी ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं जो कि एयर फ्लो के साथ सीधे कॉयल पे जाके चिपक जाते हैं। तो इन सबको क्लीन करने के लिए हम नॉर्मल वाटर का यूज करने वाले हैं। और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी नॉर्मल वाटर का ही यूज करें प्रेशर से। अगर आप इसमें किसी एसिड वेस्ट कॉयल क्लीनर का यूज करते हैं तो वहाँ पे आपकी कॉयल खराब होने की चांसेस रहती हैं। तो चलिए अब हम आउटडोर कॉयल को भी क्लीन कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से वाटर प्रेशर की मदद से पूरे कॉयल को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो एसी सर्विस की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। चलिए इसे हम चेक करते हैं कितना ज्यादा इफेक्टिव है।
और कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमको पहले की कंपैरिजन में। तो अभी हमने इसके केवल फैन को ऑन किया है, पहले की कंपैरिजन में एयर फ्लो काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। पहले क्या था कि एयर फ्लो उतनी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती थी हमको। अब हम एसी को भी ऑन कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कूलिंग पे कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमें। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे चलने रहते हैं ऐसे ही, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ जिससे वीडियो बोरिंग ना हो। तो हमारी एसी लगभग 4 से 5 मिनट तक चल चुकी है। आपको मैं बता दूं कि पहले ही कंपैरिजन में 2 से 3 गुने का फर्क देखने को मिल रहा है हमें। जहाँ पे हमारी एसी बहुत ही नॉर्मल कूलिंग करती थी, अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चिल कर रही है। और सर्विस के पहले जो भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही थी वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी कार में एसी की सर्विस भी की है और इनडोर और आउटडोर कॉइल को प्रॉपर तरीके से क्लीन किया है, और उसके साथ ही हमने केबिन फिल्टर को भी इंस्टॉल किया है, जो कि हमारी कार में कंपनी फिटेड केबिन फिल्टर नहीं आता है। केबिन फिल्टर ना होने की वजह से आपने देखा कि हमारी कॉइल कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है और कॉइल एकदम से चोक हो जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसके बगल में आ रही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।